स्पीकिंग 32वां दिन अस्वीकृति रिफ्यूजल मैं नहीं आ सकूंगा आई वोंट बी एबल टू कम आप जो चाहते हैं वह मैं नहीं कर सकूंगा आई वोंट बी एबल टू डू एज यू विश मैं आना नहीं चाहता आई डोंट वॉन्ट टू कम मुझे अफसोस है लेकिन मुझे इनकार करना पड़ रहा है आई एम सॉरी टू रिफ्यूज वे इससे सहमत नहीं होंगे दे वोंट एग्री टू दिस यह संभव नहीं है इट इज़ नॉट पॉसिबल या इट्स इम्पॉसिबल अफसोस है मैं यह प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता आई रिग्रेट आई कांट या कैन नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल आप मेरे विचार से सहमत नहीं है ना यू डोंट एग्री विद मी डू यू इसका प्रबंध नहीं हो सकता है इट कांट बी अरेंज्ड कांट या कैन नॉट उसे यह पसंद नहीं है शी इज अवर्स टू दिस आइडिया या टू इट शी डज नॉट लाइक इट किसी तरह से भी बोल सकते हैं अब है नेक्स्ट विश्वास बिलीविंग क्या आप विश्वास नहीं करते डोंट यू बिलीव इट यह केवल अफवाह है इट्स ओनली अ र्यूमर यह सुनी सुनाई बात है इट्स ओनली अ हियरसे या र्यूमर सुनी सुनाई बात या अफवाह को र्यूमर बोलते हैं ठीक है या इसको सुनी सुनाई बात को हियरसे भी बोल सकते हैं या आप र्यूमर भी लगा सकते हो सिंपली क्या हमें इस टैक्सी ड्राइवर का विश्वास करना चाहिए शुड या कैन वी ट्रस्ट दिस टैक्सी ड्राइवर आप उनका पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं यू कैन ट्रस्ट देम फुली मुझे उस पर पूरा भरोसा है आई हैव फुल फेथ इन हिम प्रार्थना रिक्वेस्ट जरा ठहरिए प्लीज वेट वापस जाइए सॉरी वापस आइए प्लीज कम बैक जाने दीजिए लेट इट बी मतलब अरे छोड़ो अच्छा रहने दो ठीक है ऐसे बोलते जाने दीजिए लेट इट बी जरा यहाँ आना प्लीज़ कम हियर उत्तर दीजिए प्लीज़ रिप्लाई या आंसर ज़रा उसे जगाइए प्लीज़ वेक हिम अप आशा है तुम पत्र लिखोगे होप टू हियर फ्रॉम यू पत्र लिखोगे को सिर्फ मतलब ये नहीं होता मतलब है कि आशा कि आपसे मेरी बात होगी ये वाला है तो भी बोलना है आपको होप टू हियर फ्रॉम यू आशा है कि आप मुझे मैसेज करोगे या कॉल करोगे ना होप टू हियर फ्रॉम यू ठीक है मेरा एक काम करोगे विल यू डू मी अ फेवर मुझे काम करने दो लेट मी वर्क ज़रा देखने तो दो लेट मी सी उन्हें आराम करने दीजिए लेट देम रिलैक्स ज़रा कागज़ पेंसिल दीजिए प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल एंड पेपर परसों ज़रूर आइएगा भूलिएगा नहीं प्लीज़ डू कम डे आफ्टर टुमारो डोंट फॉरगेट फिर से कहिए प्लीज़ रिपीट या पार्डन या आई बेग यू पार्डन थोड़ा खिसक सकते हैं आप कुड यू मूव या शिफ्ट अ लिटिल क्या आप मुझसे परसों मिल सकते हैं Can you see me day after tomorrow? मुझे माफ़ करें Please forgive me. ज़रा खिड़की खोल दीजिए Will you please open the window? सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचे All are requested to reach in time. याद रखिए Remember, अंग्रेजी वार्तालाप में please का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है इसके प्रयोग से व्यक्ति के शिष्ट व्यवहार का पता चलता है इसलिए प्लीज़ का अधिकाधिक प्रयोग कीजिए केवल यस हाँ कहना बहुत रूखा और ध्रष्ट उत्तर है इसके विपरीत यस प्लीज़ हाँ जी बहुत स्निग्ध और शिष्ट उत्तर है किसी व्यक्ति से वार्तालाप करते समय प्लीज़ कहना ना भूलिए गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर
मुझे एक गिलास पानी दो, मत कहिए बल्कि इसके स्थान पर प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ज़रा एक गिलास पानी दीजिए, कहिए। लेट का प्रयोग सदा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ होता है, जैसे व्हाट अ फाइन वेदर, लेट अस गो टू द रिवर बैंक, कितना सुहावना मौसम है, आओ नदी किनारे चलें। लेट दम प्ले फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल खेलने दो, सेकंड पर्सन के साथ लेट का प्रयोग नहीं होता है, जैसे लेट यू गो फॉर अ वॉक, कहना गलत होगा, पर यदि सेकंड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन भी हो तो हम कह सकते हैं लेट अस गो फॉर अ वॉक।